आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये उहू के मार्कर्स, जिनके ऊपर मैं पहले एक रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आज से 4 महीने पहले। और आज मैं फिर से इनके ऊपर रिव्यू बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आज से 3 महीने बाद इन मार्कर का अच्छे से रिव्यू करूंगा कि कैसे है ये मार्कर यूज करने में, वो भी 3 महीने बाद। और हाँ, यहाँ पर मैं ड्रॉइंग तो करने वाला हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं अलग से सारे के सारे मार्कर चेक करूंगा लास्ट में वीडियो के। पहले मैंने सोचा ओबनाई बनाने का, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ओबनाई में इतने कलर ही नहीं है, मतलब ब्लैक व्हाइट और इतना ज्यादा कलर का यूज नहीं हो रहा। तो मैंने चूज किया रेंगोकू को, क्योंकि रेंगोकू की डिजाइन में बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, मतलब हाइलाइटेड कलर, ब्राइट कलर, जिसे यूज करके हम लोग को और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे हैं ये कलर्स 3 महीने बाद। और अभी जस्ट रिकॉर्डिंग के पहले मैंने अपनी ओल्ड वाली वीडियो देखी, जिसमें मैं इन उहू मार्कर्स का रिव्यू कर रहा था। मैंने देखा कि मैंने उसमें भी रेंगोकू की ड्रॉइंग बनाई है, यू की भी और अकाजा की भी, लेकिन हाँ रेंगोकू की भी बनाई है। आई मीन फैन फेवरेट कैरेक्टर यार रेंगोकू, मेरा भी पर्सनल फेवरेट। और अगर तुम लोग अभी तक मेरे एनिमेशन चैनल पे जाके सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो नहीं देखे हो वहाँ पर जाके, तो जल्दी से जाके देखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आती होगी। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट तो किया था रेंगोकू के हेयर से ड्रॉ करना, मतलब आउटलाइनिंग तो पहले ही कर ली थी मैंने। मैंने कलरिंग करना रेंगोकू के हेयर से स्टार्ट किया था, वो भी मैंने रेड कलर से स्टार्टिंग की है, जिसके बाद मैं येल्लो कलर, मतलब डार्क येल्लो कलर करूंगा इसके हेयर पे, उसके बाद लाइट येल्लो कलर करूंगा। और ये है ये 3 येल्लो कलर जो कि मैं यूज करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पर मैंने डार्केस्ट से स्टार्ट किया है, और मैं सच बताऊं तो रेड कलर स्टार्टिंग में नहीं चल रहा था, अगर तुम लोगों ने खुद नोटिस किया होगा रेड कलर स्टार्टिंग में नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं उसको यूज करने लगा वो कलर चलने लगा, रुका नहीं। और ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये उहू के मार्कर्स यूज कर रहा हूं। अभी रिसेंटली टाइम में तो मैंने इतनी ड्रॉइंग की नहीं है पर्सनली, मैंने बस वीडियोज बनाने के लिए ड्रॉइंग की है मोस्टली। तो मैं नए नए जब प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ तो उहू मार्कर्स, ये वाले मार्कर कहाँ यूज करता हूँ मैं, इस वजह से हो सकता है सूख गए वो मार्कर्स, लेकिन मैं थोड़ा यूज किया तो रेड मार्कर्स चलने लगा। और जो कलर मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसे तुम लोग डार्क येलो का शेड कह सकते हो, जो कि बिल्कुल भी रुका नहीं, बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरे को तो लगता भी नहीं इससे पहले मैंने इन मार्कर को अभी यूज किया होगा, मतलब ये वाले शेड को, और ये काफी अच्छे से हुआ। तो हाँ, सूखे नहीं है मार्कर इन 4 महीनों में। और अब मैं यूज करने वाला हूँ ये येल्लो कलर, सबसे लाइटेस्ट शेड है येल्लो का, और अब मैं यूज करने वाला हूँ ये येल्लो कलर का सबसे लाइटेस्ट शेड, जो कि मैं इससे पहले भी और ड्रॉइंग्स में यूज कर चुका हूँ बहुत बार। और ये वाला कलर मैं मोस्टली हाईलाइटिंग के लिए भी यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ ये फिर से वही रेड कलर, इसके जो फेस पे खून और ब्लड पूरा आया था अकाजा से लड़ने के बाद, उसके लिए तो मैंने यहाँ पर फेस पे पहले आउटलाइनिंग कर ली इसके, उसके बाद मैंने डिसाइड किया इसके अंदर कलर फिल करने का। और मैं यहाँ पर पेंसिल कलर यूज नहीं करने वाला, मैं सिर्फ मार्कर ही, और सिर्फ यही वाले मार्कर से कलर फिल इन करूंगा। अब यहाँ पर सच बताऊं तो इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे एग्जाम चल रहे हैं, और मैं क्यों कर रहा हूँ यार ये शूट, और ये शूट करते वक्त लाइट भी चली गई, जिससे मेरा और टाइम का वेस्ट हो गया, मतलब नुकसान हो गया एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन फिर लाइट आने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट की कलरिंग, और यहाँ पर मैं यूज कर रहा था ब्लैक मार्कर, जो कि तुम लोग जानते हो कितना जल्दी खत्म होते हैं ब्लैक मार्कर, ब्लैक पेंसिल कलर, कोई भी ब्लैक वो ले लो, क्योंकि सबसे ज्यादा कलर जो यूज होता है वो मोस्टली, मतलब मेरे को लगता है ब्लैक ही, और मैं खुद ब्लैक यूज करता हूँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी तुम लोग बताना कि तुम लोग कौन सा कलर यूज करते हो सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर मैं रेंगोकू आइस कलर कर रहा था, जो कि सच में बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि मैं मोस्टली पेंसिल कलर यूज करता हूँ, क्योंकि अगर कोई गलती हुई भी तो मैं उसको इरेज कर सकता, लेकिन मार्कर में कैसे इरेज करूंगा मैं कोई गलती, बट चैलेंज था तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ा। उसके बाद मैंने डार्क ग्रे का शेड रेंगोकू की जो आईब्रोज है उसको कलर से फिल कर दिया, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा था ये, और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब ब्लैक का शेड आ रहा है उसकी आईब्रोज। और इसके बाद बारी थी स्किन कलर की, और जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं उनको पता होगा कि स्किन कलर जो है ये मार्कर्स का, उहू मार्कर्स का, वो अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब स्टार्टिंग से ही इसकी यही हालत है। और स्किन कलर तो सबसे ज्यादा काम में आना चाहिए यार, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर की ड्राइंग कर लो फेस में उसके स्किन ही कलर होता है। इसी वजह से मैंने चैलेंज का थोड़ा वो कर दिया, क्योंकि ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी उहू मार्कर से, स्किन कलर के मार्कर से कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था, इसी वजह से मेरे को पेंसिल कलर यूज करना पड़ा ताकि ये ड्राइंग कंप्लीट हो सके एटलीस्ट। तो हाँ, स्किन कलर का जो ये मार्कर था वो यहाँ पर पहला मार्कर है इस ड्राइंग में जो मैंने यूज किया है, जो काम नहीं किया है। बट विद दिस आवर ड्राइंग वाज फाइनली कंप्लीटेड। और अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम लोग सारे के सारे मार्कर चेक करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, कौन सा चल रहा है और कौन सा मार्कर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले येलो के सारे शेड्स को टेस्ट किया और सारे के सारे चल रहे थे। उसके बाद मैंने ब्लू के शेड्स टेस्ट किया और ब्लू में भी कोई दिक्कत नहीं आई, सारे के सारे कलर हो रहे थे। उसके बाद पर्पल, और उसके बाद ग्रीन, और ग्रीन में भी कोई दिक्कत नहीं आई, ग्रीन कलर भी अच्छे से हो रहा था। उसके बाद रेड के 2 ही शेड थे और दोनों ही चल रहे थे, ऑरेंज के भी शेड चल रहे थे,
बट यहाँ पर दिक्कत आती है ब्लैक के शेड में, मतलब ग्रे के शेड में, क्योंकि यहाँ पर दो तीन जो कलर थे ग्रे शेड के वो नहीं चल रहे थे, और हाँ पिंक शेड के सारे कलर चल रहे थे, और स्किन कलर के शेड तो तुम लोग जानते ही हो, स्किन कलर खुद नहीं चला तो उसके शेड्स की क्या बात करें, और ब्राउन कलर भी सारे चल रहा था। तो हाँ 3 महीने 4 महीने के यूज के बाद तो मेरे को यही पता चला है कि ये जो मार्कर्स हैं इनमें से कुछ ही मार्कर्स हैं, 3-4 तो मार्कर हैं जो नहीं चल रहे हैं और बाकी सारे मार्कर चल रहे हैं। मतलब हाँ अगर तुम लोग प्राइस के हिसाब से देखोगे तो वर्थ इट है, और ज्यादा कलर में तो कुछ इतना दिक्कत आई नहीं है, सारे के सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। तुम लोग ने ड्रॉइंग भी खुद देख ली, उसके बाद सारे कलर्स का अलग से टेस्ट देख लिया, तो अब तुम लोग कमेंट में बताना कि कौन सा कलर तुम लोग को लग रहा है खराब है, या फिर क्या तुम लोग को ये वर्थ इट लग रहे हैं। और हाँ मैंने इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज नहीं किया है इसका, मीडियम ही यूज किया है, हो सकता था ये मार्कर्स ड्राई हो जाते बहुत ज्यादा अगर मैं इनका यूज करता, लेकिन हाँ ये नहीं हुए, तो ओवरऑल इन्हें कहूंगा मैं काफी अच्छे चले हैं, आगे भी देखेंगे, और मेरे को नहीं लगता मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर दूसरी, या फिर हो सकता है 1 साल बाद की वीडियो में बनाऊ, 1 ईयर यूज ऑफ ऊ मार्कर्स, मोस्ट प्रोबेबली नॉट, नहीं बनाऊंगा मैं। और अगली वीडियो Q&A वीडियो होने वाली, तो रेडी रहना उसके लिए, अगर तुम लोग ने अभी भी अपने क्वेश्चन पोस्ट नहीं किए तो कर दो जाके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।